इसरो ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। चंद्रयान के सफल होने के बाद से इसरो से उम्मीदें भी और ज्यादा बढ़ गई हैं और इन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए इसरो आने वाले समय में कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है जो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही साथ में बहुत रोमांचक भी है। इनमें से कुछ मिशन इसरो अमेरिका के नासा और जापान के जैक्सा के साथ ज्वाइंट प्रोजेक्ट के रूप में भी करेगा। चलिए जान लेते हैं इसरो के आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स। गगनयान। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इस मिशन के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और वापस लाया जाएगा। एस्ट्रोनॉट निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। ये मिशन 2025 में लॉन्च किया जा सकता है। इस मिशन के जरिए टेस्ट फ्लाइट भेजी जा चुकी है जो सफल रही है। टेस्टिंग के अगले चरण में ह्यूमनॉइड रोबोट व्योममित्र को भेजा जाएगा। इसके जरिए ये समझने की कोशिश की जाएगी कि इंसानों को वहां भेजना कितना सुरक्षित है। अगर भारत अपने इस मिशन में सफलता हासिल करता है तो ये अंतरिक्ष में इंसान को पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले रशिया, अमेरिका और चीन अंतरिक्ष में इंसान को पहुंचाकर सफलता हासिल कर चुके हैं। निसार। इसरो नासा की मदद से निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन का लक्ष्य एक दोहरी आवृत्ति सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट लॉन्च करना है जिसका इस्तेमाल रिमोट सेंसिंग के लिए किया जाएगा। ये सैटेलाइट दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाएगा। ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसे बनाने में 10,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। किसी शहर के धसने की घटना ही नहीं, ये बवंडर, तूफान, ज्वालामुखी, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्री तूफान, जंगली आग, समुद्रों के जलस्तर में बढ़ोतरी समेत कई आपदाओं का अलर्ट देगा। निसार स्पेस में धरती के चारों तरफ जमा हो रहे कचरे और धरती की ओर अंतरिक्ष से जाने वाले खतरों की सूचना भी देता रहेगा। शुक्रयान। इसरो का शुक्र मिशन यानी वीनस मिशन शुक्र ग्रह की सतह और वातावरण का अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा। ये मिशन शुक्र ग्रह के जियोलॉजिकल और जलवायु प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करेगा। मंगलयान 2। मंगलयान 2 मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट की कक्षा में एक सैटेलाइट भेजना है। ये मिशन मंगल ग्रह की सतह, वातावरण और जलवायु का अध्ययन करेगा और मंगल पर संभावित जीवन की खोज में योगदान देगा। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। इस मिशन को इसरो जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा मिलकर कर रहे हैं। इस मिशन में चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाना है जहां लैंडर रोवर उतारा जाएगा। भारत को इस मिशन के लिए लैंडर बनाना है जबकि रोवर और रॉकेट जापान का होगा। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य लूनर सरफेस और सब सरफेस को स्टडी करना है, खासतौर पर पानी की मौजूदगी को। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।